हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, हो चुका है वक्त सहरी करने का। आज सहरी के लिए मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का रोल बनाने जा रही हूँ। ये एक तरह से आप रोल कह सकते हैं, इसे फ्रेंकी कह सकते हैं। ये बहुत ही फ्रेंड्स हेल्दी होता है और आई एम श्योर आप एक रोल खाओगे तो दिन भर आप अच्छा फील करोगे, हेल्दी फील करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शेयर करते हूँ मैं आपके साथ ये झटपट सी बनने वाली मजेदार सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, पनीर फ्रेंकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा और गेहूं का आटा इक्वल क्वांटिटी में लिया है, ऑयल लिया है, नमक लिया है, ल्यूक वार्म वाटर लिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम मैदे और गेहूं को मिक्स करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा ऑयल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमें अच्छा सा डो बना लेना है। डो हमारा रेडी हो चुका है, इसे हम रेस्ट करने के लिए हाफ एन आवर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ पनीर। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। ये फ्रेंड्स होममेड पनीर है। कैबेज, कैरेट ली हूँ, अनियन को मैंने इसे लंबा लंबा स्लाइस कर लिया है, एक नींबू लिया है, यहाँ मैंने हरा धनिया ली हूँ, नमक ली हूँ, ऑयल, हरी मिर्च बारीक कटी हुई है, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो चलिए पहले फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ मैं एक बड़ा स्पून ऑयल ले रही हूँ। ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये जो पनीर है वो पहले हम इसमें थोड़ा सा रोस्ट करके ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये पनीर हमारे रोस्ट हो चुके हैं, पहले प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में मैं ऐड करूंगी ये स्लाइस्ड अनियन, इसे थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे, बस इसे थोड़ा सा क्रंची क्रंची रखना है हमें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कैबेज और हम ऐड करेंगे गाजर, ये भी थोड़ा सा सौते कर लीजिए। नमक ऐड कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब फ्रेंड्स, इस स्टेज में मैंने ऐड किया था सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, वो जो है मुझे शूट करना रह गया था, तो इसके बाद आप वो ऐड कर दीजिए। इन सब चीजों मसालों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो पनीर हमने रोस्ट की थी वो ऐड कर देंगे हम। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नींबू का जूस। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। फ्रेंड्स, ये हमारी जो फिलिंग है ये रेडी है। ये फिलिंग में बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। ये अब हम फ्रेंकी बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने उसके लिए पहले 3 अंडे लिए हूँ, इसे मैं ब्रेक करके थोड़ा सा नमक डाल के इसे हम फेंट लेंगे। अंडा हमने फेंट लिया है, अब हम इसे भी साइड में रख देंगे। 8-10 घंटे से ऊपर हो चुका है और हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस साइज के हम इसके बॉल्स बना के ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसके राउंड बॉल्स बना के ले रही हूँ और थोड़ा सा आटा ली हूँ डस्टिंग के लिए। एक बॉल लेंगे, इसे आटे में डस्ट करेंगे और इसकी गोल रोटी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितना पतला आप बेल सकते हैं इसे बेल दीजिए। हमने जो है रोटी बेल दी है। फिलहाल मैं 3 रोल बना रही हूँ, तो मैं 3 ऐसे ही रोटियां मैं बेल के ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, तवा मैंने रख लिया है गर्म होने के लिए और मैंने यहाँ पे 4 जो है रोटियां बेल ली है। एक रोटी इसमें डालेंगे और हम उसे एक साइड से कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से ये इतनी कुक हो गई है। अब इसे अगले साइड में खाली थोड़ा सा ऐसे हम कुक करेंगे। बस इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह हमने रोटी को एक साइड से पका लिया है और एक साइड से हमने इसे कच्चा रख दिया है। तो अब हम तवे पे ऑयल लेंगे, इसमें हम डालेंगे अंडा। अंडे को अच्छी तरह से आप थोड़ा स्प्रेड कीजिए और ये जो रोटी है जो पकी हुई साइड है उसे आप इस तरह से क्लोज कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है अंडा इसे रोटी को चिपक गया है। ये हमारी इस साइड से भी जो है रोटी कुक हो चुकी है। अब हम इसे साइड में निकाल देते हैं और इसी तरह हम बाकी की रोटियों को भी रेडी कर लेते हैं। ये सारी रोटियां मैंने रेडी कर ली। अब हम जो है हमारी फ्रेंकी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हम एक रोटी लेंगे और यहाँ मैंने ली हूँ मेयोनीज। ये मेरा होममेड मेयोनीज है।
केचप है, यहाँ पे थोड़ा सा कैबेज ली हूँ और थोड़ी सी मैंने ग्रीन चटनी ली हूँ और हमारी फिलिंग यहाँ रेडी है। तो हम अभी असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी मेयोनेज और हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा केचप। अब डालेंगे इस पे जो हमारी ग्रीन चटनी है, इसे हम अच्छे से पहले स्प्रेड कर लेंगे मिक्स करके। अब हम इसमें हमारी पनीर की जो फिलिंग है वो ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कैबेज और इसमें थोड़ा सा ऊपर से नींबू का थोड़ा सा जूस ऐड कर देंगे। फिर अब हम इसे रोल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारे रोल पहले रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सारे रोल जो है रेडी कर ली हूँ। अब हम इसे तवे पे थोड़ा सा इसे ऑयल लगा के या बटर लगा के रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब सारी फ्रैंकीज जो है वो हम तवे पे रख के उसे अल्टी पल्टी करके अच्छे से हम उसे सेक लेंगे ताकि अच्छा कलर भी आए। तो ये रेडी हो गई हमारी सारी फ्रैंकीज। तो चलिए आइए इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सिल्वर फॉइल ली हूँ। एक रोल अभी उठा के इस तरह से रख देंगे कि हमें जो है खाने में इजी हो, जो फिलिंग है हमारी बाहर नहीं आए। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं। तो कैसा बना है? हुसैन कैसे है बेटा? अच्छा, अभी हुसैन थोड़ा नींद में है इसलिए ज्यादा बातें नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, हम भी टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बना है और शहरी के लिए तो बहुत अच्छी आइटम है। एक खाओ तो पेट फुल डे के लिए आपको आपको ऐसा लगेगा नहीं, भूख का एहसास ही नहीं होगा। इतना अच्छा है, इसमें वेजिटेबल्स है, अंडा है, पनीर है, सब प्रोटीन्स वाली अच्छी चीजें हैं। तो आप लोग भी जरूर शहरी में फ्रेंड्स ये ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है सहरी और नमाज भी हो चुकी है और देखिए हमारा सारा काम भी हमने ख़त्म कर लिया है। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को भी मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। तो हमें याद रखिए और अपना खास खास ख्याल रखिए। बाय।